हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह का ना नाश्ता बनाने जा रही थी और हम लोग कहाँ निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं हम लोग नाश्ता वास्ता बना के। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गोभी, शिमला मिर्च एक ले लिए, आलू नहीं लिए क्योंकि आलू थी नहीं मेरे पास, तो इसलिए आलू नहीं लिए। और आलू वैसे भी मेरे हस्बैंड को नुकसान करता है डायबिटीज़ में, तो इसलिए आलू नहीं लूँगी मैं। और बस ऐसे ही बना लेंगे सिंपल सा खाना, और खाना वाना खा के सारा काम ख़त्म करके हम लोग निकल जाएंगे अपनी बहन के घर, सिस्टर के घर। और हम लोग आ चुके हैं अपनी सिस्टर के घर। ये मेरी बड़ी सिस्टर है, ठीक है? और मेरी बड़ी सिस्टर ना बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, और वो लंबी भी हैं, मेरे से लंबी हैं। और बताना, आप लोग बताना, मैं नहीं बता रही आप लोग बताना कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा है। ये मेरी बड़ी बहन है, इनके बाद मैं हूँ, फिर मेरे बाद रमा है, उसके बाद है, तो ये पीछे जो है ना खड़ी हुई है आंटी। आंटी हैं कि क्या लगती हैं पता नहीं है, ये मेरी बहन के रिश्तेदार हैं। तो घूर घूर के देख रही थी, बस यही कहना चाहूँगी तो दोस्तों यहाँ पर मेरी सिस्टर है ना, उनके ससुर की रिटायरमेंट पार्टी में हम लोग आए हैं। तो वो जो मेन था ना, जो स्वागत वगैरह करते हैं, फूलों की माला वगैरह, डांस वांस, तो वो सब मैंने मिस कर दिया क्योंकि ना रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था और हम लोग ना लेट हो गए थे, इसलिए ना पहले से लेट हो गए थे। साड़ी वाड़ी भी नहीं पहनी इसलिए मैंने, और गर्म कुर्ता पहना, बस फटाफट से होता है ना, जल्दी जल्दी पहन लो कुर्ते में, और साड़ी में थोड़ा सा समय लगता है। बस मैं अच्छी लग रही हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है? और फुल वॉच करना। हेलो यहाँ पर ना सारे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। आप लोगों को तो पता ही है, जब कहीं जाते हैं तो रिश्तेदार इतने सारे मिल जाते हैं, सारे ना बातें करते हैं कि क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है। तो ना यहाँ पे सारे ना मतलब बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और ना मेरे लिए जगह नहीं थी बैठने के लिए। तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और अपना दिखा देती हूँ। ये मेरी बेटी है, ये देख लीजिए, मेरे हस्बैंड ना बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं तो इंजॉय हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर आप लोग ना देख सकते हैं कि यहाँ गली में कि कितना ज़्यादा ना गंदा है, गली पक्की नहीं है, कच्ची गली है। तो यहाँ पे ना आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? फर्स्ट क्लास में पढ़ती हो? हाँ। और कहाँ रहती हो? बेंगलोर। मुंबई में? हाँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने थोड़ी सी ना वो जो रियल वॉइस थी वो सुना दी, इसलिए म्यूट करना पड़ा, इतनी ज़्यादा शोर था ना, बहुत ज़्यादा शोर था। तो ये देखा आपने, लड़की कितनी प्यारी है, ये वाली तो मेरी बेटी है, और ये जो दूसरी वाली है, ये वाली मेरी बड़ी बहन है ना, उनकी नंद की बेटी है, ये रहते हैं मुंबई में।
तो मैंने सोचा दिखा देती हूँ। बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा इनका सूट होता है, तो ये टीवी में आती हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। आप लोग कमेंट करके बताना ठीक है, किसने किसने इनका नाटक देखा है। और यहाँ पर मेरी मम्मी बैठी हैं, सामने मेरी मौसी हैं, और मैं बस ऐसे ही लंबा लंबा घूम रही थी क्योंकि ना जगह नहीं थी। यहाँ पर हो रहा है खाना पीना, यहाँ पे खाना खा रही हैं दोनों बहनें मिलके, और मैंने अपनी मम्मी को खाना निकाल के दे दिया था क्योंकि यहाँ पे ना भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। छत छोटी है, जगह इसी छत पे खाना बना भी था यहीं साइड में, और यहीं पे ना खाने का कर दिया था, और मतलब सही था, मुझे तो अच्छा लगा क्योंकि आपने गली देखी ना बाहर कैसी है, मतलब गली ना अच्छी नहीं है, साफ सुथरी गली नहीं है, वहीं पर नाली और मक्खी सब कुछ भिनक रहा था, तो फिर ना तो एकदम सही कर रहा था मेरे हिसाब से। ऊपर जगह कम थी मगर सफाई थी, तो सब लोग खाना खा रहे हैं, यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। ये है छोटी सी, ये बड़ी हो गई है, मतलब छोटी थी मेरी जो सिस्टर है ना, जो मैंने आपको बताया बड़ी वाली, उसकी शादी में मेरी जो त्रिशा है, ये जो नीचे जा रही है मेरी बेटी, इनके इसके बराबर की थी, इससे थोड़ी सी बड़ी थी। और ये जो गया दाढ़ी वाला, ये है इनका देवर, जो कि काम वगैरह नहीं करता है, जॉब वॉब नहीं करता है, घर में ही बैठा रहता है, पता नहीं मतलब क्या सोचता है। तो घर में बैठे देखो आदमी ना अच्छे नहीं लगते। और ये उनकी वाइफ है जो गया अभी ऊपर, और ये मेरे हस्बैंड से बात कर रहे थे, ये गांव से आई हैं। और बस ऐसा ही है, बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि ना कि जब शादी हो जाती है ना तो जॉब करता हुआ इंसान अच्छा लगता है, अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखे भाई, कमाएगा तभी तो खिलाएगा भी, और घर में मतलब सही नहीं रहता है, सारा बोझ अपने पापा पे कर रखा है इन लोगों ने, तो सही नहीं है। उनके पापा की तबीयत भी ख़राब रहती है, और ये अपने पापा से बातें कर रही थी, इनके पापा अंदर थे, भाई भी थे, और मेरे हस्बैंड भी थे सारे। ये मेरी बड़ी बहन का बेटा है, ये छोटा वाला, ये मेरी बेटी है, पूरे में घूम रही है। तो मैं तो ना बाइक से गई थी, तो बहुत ठंड हो रही है दोस्तों, तो मैं तो पूरा कवर कर रखा था अपने बच्चों को, क्योंकि अपने बच्चों की जिम्मेदारी हम खुद ले सकते हैं, है ना। ये देखो ये अपने घर में है तो बिना स्वेटर के घूम रहे थे, मतलब ठंड नहीं लगती है यार आजकल के बच्चों को। तो ये अपने घर में थे, ऐसे ही घूम रहे थे, मगर हमको तो जाना था दूर, ये लोग रहते हैं उत्तम नगर में, ये देख लीजिए भाग रहे हैं खेल रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रही हूँ, ये मेरी सिस्टर है, और ये मेरी बहन है, बहन से मैं छोटी हूँ, फिर उसके बाद रमा है, और यहाँ पर मैंने कहा दिखा देती हूँ, मैंने एक एक चीज़ दिखाई है आप लोगों को, और ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं दिखा पाई, जो डांस वगैरह होता है ना रिटायरमेंट पार्टी में, वो चीज़ नहीं दिखा पाई हूँ मैं, क्योंकि उस समय पे मैं पहुँच ही नहीं पाई, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था इसलिए नहीं कर पाई, बस दिखा दिया मैंने, सोचा जितना भीड़ भड़का है दिखा देती हूँ आप लोगों को। डांस वांस नहीं दिखा पाई, जो माला वाला चढ़ाते हैं सब लोग, ठीक है, तो फुल वॉच करना।